नमस्कार, एक बार फिर से हाजिर हूँ पंचतंत्र की कहानियाँ लेकर। और पंचतंत्र की कहानी में आज है गजराज और मूषक राज की कहानी। गजराज यानी हाथी और मूषक राज मतलब चूहा। जी, प्राचीन काल में नदी किनारे बसा एक नगर व्यापार का प्रमुख केंद्र था। एक लंबे समय तक धन धान्य से समृद्ध इस नगर के बुरे दिन तब आए जब भयानक बरसात से नदी ने अपना रास्ता बदल लिया। ऐसे में लोगों के लिए पीने का पानी न रहा और देखते ही देखते ये वैभवशाली नगर वीरान हो गया। अब हालत ये कि ये जगह केवल चूहों के रहने लायक रह गई थी। जिधर देखो चारों तरफ चूहे ही चूहे नजर आते थे। चूहों ने एक तरह से इस नगर पर अपना साम्राज्य ही स्थापित कर लिया। चूहों के इस साम्राज्य का एक राजा बना मूषक राज चूहा। चूहों का भाग्य देखिए कि उनके बसने के बाद नगर के बाहर जमीन से एक पानी का स्रोत फूट पड़ा और वहां एक बड़ा जलाशय बन गया। नगर से कुछ ही दूर एक घना जंगल भी था। जंगल में अनगिनत हाथी रहते थे। उनका राजा गजराज नामक एक विशाल हाथी था। उसी दौरान जंगल क्षेत्र में भयानक सूखा पड़ गया। जीव जंतु पानी की तलाश में इधर उधर मारे मारे फिरने लगे। भारी भरकम शरीर वाले हाथियों की तो दुर्दशा हो गई थी। हाथियों के बच्चे प्यास से व्याकुल होकर चिल्लाने व दम तोड़ने लगे। गजराज खुद सूखे की समस्या से चिंतित था और हाथियों का कष्ट जानता था। एक दिन गजराज के मित्र चील ने आकर खबर दी कि खंडहर बने नगर के दूसरी ओर एक जलाशय है। गजराज ने सबको तुरंत उस जलाशय की ओर चलने का आदेश दिया और फिर क्या था, सैकड़ों हाथी प्यास बुझाने उसी दिशा में चल पड़े। जलाशय तक पहुंचने के लिए उन्हें खंडहर बने नगर के बीचों बीच से गुजरना पड़ा। हाथियों के हजारों पैर चूहों को रौंदते हुए निकल गए। हजारों चूहे मारे गए। खंडहर नगर की सड़कें चूहों के खून मांस के कीचड़ से लथपथ हो गई। हाथियों का दल फिर उसी रास्ते से लौटा। अब हाथी रोज उसी मार्ग से पानी पीने जाने लगे। काफी सोचने विचारने के बाद मूषक राज के मंत्रियों ने कहा, महाराज आपको ही जाकर गजराज से बात करनी चाहिए, वो दयालु हाथी हैं। और फिर मूषक राज ने अपने मंत्रियों की सलाह पर वन में जाने का निर्णय लिया। मूषक राज हाथियों के वन में गया। एक बड़े पेड़ के नीचे गजराज खड़ा था। मूषक राज उसके सामने के बड़े पत्थर के ऊपर चढ़ा और गजराज को नमस्कार करके बोला, गजराज को मूषक राज का नमस्कार है। हे महान हाथी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। आवाज गजराज के कानों तक नहीं पहुंच रही थी। दयालु गजराज उसकी बात सुनने के लिए नीचे बैठ गया और अपना एक कान पत्थर पर चढ़े मूषक राज के निकट ले जाकर बोला, नन्हे मियाँ आप कुछ कह रहे थे, कृपया फिर से कहिए। मूषक राज बोला, हे गजराज, मुझे चूहा कहते हैं। हम बड़ी संख्या में खंडहर बनी नगरी में रहते हैं। मैं उनका मूषक राज हूँ। आपके हाथी रोज जलाशय तक जाने के लिए नगरी के बीच से गुजरते हैं। हर बार उनके पैरों तले कुचले जाकर हजारों चूहे मरते हैं। ये मूषक संहार बंद न हुआ तो हम तो नष्ट हो जाएंगे महाराज, गजराज ने दुखी स्वर में कहा। मूषक राज, आपकी बात सुन मुझे बहुत शोक हुआ। हमें तो ज्ञान ही नहीं था कि हम इतना अनर्थ कर रहे हैं। हम नया रास्ता ढूंढ लेंगे, मूषक राज कृतज्ञता भरे स्वर में बोला। गजराज, आपने मुझ जैसे छोटे जीव की बात इतने ध्यान से सुनी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। गजराज, कभी हमारी जरूरत पड़े तो याद जरूर कीजिएगा। गजराज ने सोचा कि नन्हा जीव हमारे किसी काम के आ सकेगा, सो उन्होंने केवल मुस्कुरा दिया और मूषक राज को विदा कर दिया। कुछ दिन बाद पड़ोसी देश के राजा ने सेना को मजबूत सेना बनाने के लिए उसमें हाथी शामिल करने का निर्णय लिया।
राजा के लोग हाथी पकड़ने आए। जंगल में आकर वो चुपचाप कई प्रकार के जाल बिछाकर चले जाते हैं। सैकड़ों हाथी पकड़ लिए गए। एक रात हाथियों के पकड़े जाने से चिंतित गजराज जंगल में घूम रहे थे कि उनका पैर सूखी पत्तियों के नीचे छल से दबा कर रखे रस्सी के फंदे में फंस जाता है। जैसे ही गजराज ने पैर आगे बढ़ाया, रस्सा कस गया। रस्सी का दूसरा सिरा एक पेड़ के मोटे तने से मजबूती से बंधा हुआ था। गजराज चिंघाड़ने लगे। उसने अपने सेवकों को पुकारा, लेकिन कोई नहीं आया। कौन फंदे में फंसे हाथी के निकट आएगा? एक युवा जंगली भैंसा गजराज का बहुत आदर करता था। जब वो भैंसा छोटा था तो एक बार वो एक गड्ढे में जा गिरा था। उसकी चिल्लाहट सुनकर गजराज ने उसकी जान बचाई थी। चिंघार सुनकर वो दौड़ा और फंदे में फंसे गजराज के पास पहुंचा। गजराज की हालत देख उसे बहुत धक्का लगा। वो चीखा, ये कैसा अन्याय है? गजराज, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? मैं आपको छुड़ाने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। गजराज बोले, बेटा तुम बस दौड़कर खंडहर नगरी जाओ और चूहों के राजा मूषक राज को सारा हाल बताना। उससे कहना कि मेरी सारी आस टूट चुकी है। भैंसा अपनी पूरी शक्ति से दौड़ा दौड़ा मूषक राज के पास गया और सारी बात बता दी। मूषक राज तुरंत अपने 20-30 सैनिकों के साथ भैंसे की पीठ पर बैठा और शीघ्र ही गजराज के पास जा पहुंचा। सारे चूहे भैंसे की पीठ पर से कूद कूद कर फंदे की रस्सी कुतरने लगे। कुछ ही देर में फंदे की रस्सी कट गई, वह गजराज आजाद हो गए। इस कहानी की सीख यही है कि आपसी सद्भाव और प्रेम सदा एक दूसरे के कष्टों को हर लेते हैं। है ना अच्छी सी कहानी? फिर अगली बार इससे अच्छी कहानी लेकर आऊंगी। इसी वादे के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।